अच्छा मैसेज देने का कोई नहीं कह रहा है कि यार आपके ऊपर आप कोई ये आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी डाली हुई है आपका हर ड्रामा है, हर फिल्म बहुत पॉजिटिव अच्छा मैसेज दे अग्री बट द कंटेंट दैट यू प्रोड्यूसिंग सम पीपल से कि वो अच्छा मैसेज अगर नहीं दे रहा लेकिन नेगेटिव मैसेज दे कौन है वो लोग जैसे फॉर एग्जांपल हां फॉर एग्जांपल जैसे जलन की बात है ठीक है पर्सनली आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ इट बिकॉज साली बनोई साली बनोई बहुत खिचपिच हुई मैंने तो ये भी कहा पहले भी कहा कि नहीं है अभी भी मानता हूं कि उसके बारे में नहीं है मेरा पर्सनली जलन से जो प्रॉब्लम था वो मिशा के ट्रैक के साथ ठीक है जब उसको आग लगा के जलाया गया ऑल ऑफ दैट मैंने ऑन रिकॉर्ड वो बात की सम पीपल और मैं आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द फीडबैक दैट वी गेट ऑन आवर ओन रिव्यूज से नंद इज रिग्रेसिव नंद के ऊपर जो बात है वही घर की बातें ये दिस इज वॉट वांट टू वॉच

क्या इन्फ्लुएंस अमिताभ बच्चन ने दिया आपको जिंदगी में दस लोगों को मार देता था यही था ना औरत के साथ नाच लेता था ऑब्जेक्टिफाई होती रहती थी औरत आज भी इंडियन फिल्म में होती रहती है हॉलीवुड में भी होती है मैं आजकल जिम जाता हूँ सुबह आठ बजे मैं म्यूजिक वीडियोस देखता हूँ ये पिटबॉल के जो मैं नॉर्मली मैं नहीं देखता हुँ. मुझे दुख होता है वो देख के म्यूजिक वीडियोस फिर मैं सोचता हूँ कि लोगों को नन देख के दुख हो रहा है

आप देखते हो आप चैनल चेंज कर देते हो ये कोई नशा तो नहीं है ना हुँ. कि एक चीज चल रही है मैंने नहीं देखी 365 डेज अभी तक हुँ. और इसीलिए नहीं देखी, मैं सच बता लो. लोगों को पागलपन करता है लेकिन जलन का परसेप्शन गलत बनाया गया इनिशियली मेरी हसीना आपस से बहस हुई इस बात पे मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ तो वो बात बार 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 वही जलन की बात अगर आप वो इंटरव्यू मेरा आप देखेंगे भी ना तो वो बात में सिर्फ ये कर रहा था कि भाई देखे, एक ड्रामा मैंने बनाया अभी उसकी तीन एपिसोड चली। चार चली आपको कैसे पता कि आखिरी एपिसोड में क्या करूंगा मैं उसके साथ बिल्कुल सही अगर आप चलते ही लाइव कॉमेंट्री करेंगे लाइव कॉमेंट्री सिर्फ मैचेस की होती है भाई किसी चलते हुए प्रोजेक्ट की नहीं हो सकती जिसने लंबा चल लेट इट कंक्लूड अगर कंक्लूजन में कोई साली बहनों कुछ गलत जो के भी ऑनेस्टली क्योंकि गिल्टी प्लेजर है जिसको गलत लग रहा होता है ना उसके दिल में वो चोर होगा hmm. कहानियां ऐसे ही बनती हैं तो उसको लग रहा है यार ये कहीं महत्व नहीं हो यार ये क्या ये क्या दिखा रहे हैं ये क्यों दिखा रहे हैं यार इट्स इट्स मेकिंग मी अनकंफर्टेबल इट्स मेकिंग दैट पर्सन अनकंफर्टेबल क्योंकि उसका अपना थॉट प्रोसेस जो चल रहा है ना वो वाला चल रहा है मैंने कोई बहुत कमाल ड्रामे बना दिए लेकिन मेरा एक हमेशा से थियरी रहा है मैं चैनल के साथ मिलकर काम करता हूं मैं चैनल से पैसे कमाता हूं आई एम अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर मैं साल में दस से बारह ड्रामे बनाता हूं तीन से चार मैं ऐसे बनाता हूं जो मेरी अपनी मर्जी के होते हैं चैनल मुझे फ्री हैंड देता है मैं बनाता हूं अभी डंक मैंने बनाया मेरे दिल से निकला हुआ ड्रामा कोई क्वेश्चन नहीं लेकिन मैं फिर चैनल के साथ भी काम करता हूं कि भाई आप बताएं आपको क्या लगता है कि चलेगा दैट्स हाउ यू बी इन द बिजनेस यू कांट जस्ट से नो टू एवरीबडी एंड एनी बडी हु जो बैठे हुए हैं लोग वहां पे जिनको तजर्बा है जो कि पता शुरू शुरू में मैं बड़ा वो होता था क्रिएटिव मसले थे मेरे क्योंकि मैं एक्टर एक्टर सोचता था ना अपने hmm. आप को कि यार यार ये कैसे यार ये कैसे बट देन यू हैव टू थिंक लाइक अ प्रोड्यूसर आल्सो यू हैव टू केटर अ वेरी लार्ज ऑडियंस नॉट जस्ट फ्यू पीपल नेटफ्लिक्स मैं मानता भी नहीं मैं Netflix हूं मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ हर चीज देखता हूँ पे मुझे पता है आम आदमी को पता ही नहीं नेटफ्लिक्स पे क्या होता है किसके लिए ड्रामा बनाता हूं कौन लोग हैं जो आपका ड्रामा देख रहे हैं जो जलसों में खड़े होते हैं वो हैं लोग जो आपका ड्रामा देख रहे हैं आप खड़े हैं कभी जलसे में जाके नहीं। बस मेरी तो ऑडियंस है वो आप कहते हैं पाकिस्तान की ऑडियंस ठीक नहीं है ये कह रहे हैं तो एक अलग बात है मैं तो इन्हीं के लिए बना रहा हूं

ऐसे बात करना और एक्चुअली है क्या वो करना एक अलग बात है फिर जी बात है कि हमारे ड्रामे जी आ, बड़ा एक ही टाइप का ड्रामा है हमारा yeah. इंडिया क्या करता है भाई नेटफ्लिक्स देख रहे हो तुम भी दस चीजें इंडिया की पिछली चली है मिर्जापुर उठा लो गैंग्स ऑफ वसैपुर उठा लो अभी जो ये सेक्रेट गेम्स उठा लो और कौन सा है ये पाताल लोक उठा लो क्या है क्या अलग है क्या मैसेज क्या है इन सब मैसेज चलो मुझे बता दो अक्षय कुमार सबसे बड़ा स्टार क्या मैसेज देता है वो आपको शाहरुख खान ने आज तक कौन सा मैसेज दे दिया आपको सलमान खान ने क्या मैसेज दे दिया हम बोले कि हमारी फिल्म आ रही है ईद पे दो अजीब सलमान खान सा महसूस हो रहा है भाई दुनिया ऐसा लगता हम इंडिया से आए यार तो बात करने के लिए ना देखो सबके पास बात यह नहीं हो सकता कि बारह ड्रामे बनाऊं और बारह के बारह तुम्हारे दिल के पास से हों अच्छा फिर गलत तो साबित कर दो मत देखो ड्रामा फ्लॉप कर दो उसको भरपूर देख रहे एंजॉय बड़ी से बड़ी पार्टी रक्षे वाला चौकीदार जाल देख रहा है भाई हुँ. क्यों देख रहा है मैंने घनपॉन्ट बोल रहा हूं उनको देखो तो एक बात तो ये है कि आप ये नहीं एज अ प्रोड्यूसर आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं आमिर खान नहीं हूं भाई मैं साल में एक काम नहीं करता एज अ प्रोड्यूसर मैं बात कर रहा हूं तो मैं हर चीज बनाना चाहता हूं

भतीजा जो था वो अपनी चची के साथ इश्क लड़ा रहा था और ठीक ठाक माशाल्लाह से वो अगर यूट्यूब पे आपने थोड़ा बहुत देखा हो तो बड़ा खतरनाक था और हमारे True. सारे पाकिस्तानियों ने जाके माशाल्लाह से वो देखा True. मैं बनाऊंगा तो जलन ही नाम होगा ना उसका भाई hmm. क्या रखूंगा उसका नाम <laughs> शेक्सपियर लगा दू आइडिया शेक्सपियर का जस्ट अ थॉट ट्रू द प्रॉब्लम इज जब आप ये समझने लगे यही माशरा है ना हमारा छुपा लो तो सब ठीक है बता दिया तो जज कर लेंगे तुमको फौरन से yeah. तो यार ये, ये बड़ा, बड़ी, बड़ी ही जिसे डबल स्टैंडर्ड हमारे पास है no, forward, time, time होने दो. एक तो ये जो सबसे बड़ा एक गलत फहमी है ना कि टीवी ही सिखाएगा टीवी नहीं सीखा सिर्फ टीवी का काम है एंटरटेन करना लेट्स नॉट मेक इट अ स्कूल। इसको वो पीटीवी का वो सुई धागे वाला और ट्रैक्टर वाला मत बनाओ हम उस तरफ लेके जा रहे हैं ये कैसे कह दिया ये क्या कर रहे हो अगर ऐसा होता अनवर मकसूद साहब लेजेंड नहीं बनने थे फिर ऐसी ऐसी बातें कर जाते थे ना वो अल्लाह का शुक्र है उस जमाने में नहीं थे ये मामला सो आई थिंक इवॉल्व होंगी चीजें अगर ठीक होना होगा

कि निशा को कम थप्पड़ पड़े हैं और थप्पड़ पड़ने चाहिए थे घूसे पड़ने चाहिए थे लातें पड़नी चाहिए थी एंड समबडी सेइंग कि निशा को जान से मार देना चाहिए था कम होगी लेकिन ऑडियंस तो है ना कि ऑडियंस पहले भी थी हमेशा से ऐसी थी अब उसको बोलने की जगह मिल गई है करने के लिए हमने तो कराची में पैंतालीस पैंतालीस मर्डर भी देखे एक दिन में हमें ये भी टाइम याद है कि लोग कहते थे, थे तो आज दस मरें बस आज दस मरें नो no, फिर उस ऑडियंस की तरफ आपकी कोई रिस्पॉसिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो कंक्लूड क्या करते हैं आप द आइडिया इज के भाई देर इज इवन देर इज गुड हमेशा ये तो दिखाओगे ना अब उसको कैसे दिखाओगे मैंने तुम्हें मर्डर करना है कैसे करूं पपी के देखे करूं मर्डर कुछ तो करूंगा तो दिखाऊं कैसे क्या करूं मेरा काम ये बनता है सिर्फ एक मुझे बनता है और वो चैनल से काम बनता है कि आप उस पर एक एज लिमिट लगा दिस इज नॉट माइड मैं ये कर सकता हूं कि भाई इस टाइम पे और होता है मेरे घर में अगर नेटफ्लिक्स भी चलता है तो मेरे बच्चों का नेटफ्लिक्स अलग है मेरा नेटफ्लिक्स अलग नेटफ्लिक्स हमारे लिए मिसाल सिर्फ नेटफ्लिक्स ही रह गई ना यही है ना आप डिसाइड कर लें कि यार इस टाइम पे ये ऑडियंस ऐसा कंटेंट होगा वायलेंस होगा nudity होगी language का प्रॉब्लम होगा भाई तो पीजी हम, 13, पीजी 18. हम बाकी कहीं नहीं जा सकते हमारा ज्यादा ज्यादा ये है थप्पड़ थप्पड़ होंगे भाई आठ नौ बजे के ड्रामे में मत देखो ट्रिगर वार्निंग सीधी सीधी सी बात है इतना कर सकते हैं बट यू कॉन्ट से नॉट एलिमिनेट दिस थिंग नो नो यू राइट एंड मे दिस कांट बी डू दिस वाई कॉन्ट भी इंट्रोड्यूस अग सिम फॉर अर टेलीविजन बिकॉज आई हैव स्पोकन टू चिल्ड्रन एज यंग एस थर्टीन ईयर्स ओल्ड सिटिंग इन अमेरिका सेट ऑफकोर्स आई एम वॉचिंग जलन On Facebook, on Twitter, on Insta, on Skype, और वो वो एक और क्या है वो जो जिसके पिछले दिनों बात भी TikTok. TikTok. तो देखो फिर वही बात है तो जलन तो बिल्कुल कोई दसवीं बारहवीं इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में बात होनी चाहिए उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने बच्चों को छोड़ दिए हैं करने के लिए तो सिर्फ टेलीविजन में जो बार बार तुमसे बात कर रहा हूं ना कि सिर्फ टेलीविजन नहीं है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो है ये मैं एक टेलीफिल्म टेलीफिल्मा गर्म हूं, फिल्म जिसका मैं नाम मैं गरम हूं। क्योंकि जलन और नंद वो ड्रामे नहीं है जो खुदा ना खास्ता आपको इस तरफ लेके जा रहे हैं आपका चौकीदार भी चौबीस घंटे फोन पे ऐसी ऐसी चीजें देख रहा है आपका ड्राइवर भी ऐसी ऐसी चीजें देख रहा है आप भी ऐसी ऐसी चीजें देख रहे हो हर आदमी ऐसी ऐसी चीजें देख रहा है जिसपे कोई आप अभी कोई भी चीज देखेंगे ना अच्छा सा ड्रामा भी आप देख रहे होंगे बीच में एक ऐसी कमाल चीज पॉप आउट करेगी बोलेंगे यार ये क्या है अगर आप अपने बच्चे के साथ बैठे हटती भी नहीं है कम वो चीज ना ऐसे ही होता करना है इसको करना आपने अभी अभी आप किधर चले गए और फोन तो चौबीस घंटे हर किसी के हाथ में तो जो बेसिक मसले है ना पैमरा हमारे ऊपर या दस चीजें मैं बड़ी रिस्पेक्ट है पैमरा के लिए सब कुछ है लेकिन मुद्दे और बड़े हैं इस तरह कहानी नहीं सुनाई जा सकती जिस तरह आप कह रहे हैं आपको बंद करना चीजें और कुछ नहीं है, या आपको लगता है के बहुत बताने बहुत के लिए है, और हम आप या तो बता नहीं सकते आपके केस में जैसे आप कह रहे हैं या कुछ लोग बताना नहीं चाह रहे देख फिल्म की बात करते हैं चलो फिल्म में तो हम नहीं करते ना नंद वंद और जलन वलन और सारा जो भी चक्कर है फिल्म में क्या सुनाते हैं कौन सा नया तीर मारते हैं हीरो hero है हीरोइन है एक कुछ ईवल है इन एंड रिजॉल्व हो जाता है है ग्लोरीफाई हीरो निकलता सालों से यही चल रहा रजनीकांत उठा लो टॉम क्रूज उठा लो शाहरुख उठा लो सलमान उठा लो हमायू उठा लो यहाँ पे मैं उठा लो जितने भी हैं करते क्या है वहां क्यों नहीं हम चेंज करते कुछ क्या चेंज दे नवाजुद्दीन पे कब तक चौल और गंदगी देखते रहेंगे भाई चौबीस घंटे गालियां दो मुझे इरिटेट हो जाता हूं मैं। और मैं देता हूं अपनी ज़िंदगी में मैं भी इरिटेट हो जाता हूं। तो बात शुरू करते भी गाली खतम, आप घर में नहीं देख सकते भाई तो तो फिर आप तो चीजें देखो एक जैसी ही है हर तरफ बट यौनर की जैसे बात है कि जैसे हम थ्रिलर को वेरी गुड प्रोजेक्ट इन दैट सेंस ने काम है तो मतलब इस तरह के जॉनर्स हम ज्यादा क्यों नहीं एक्सप्लोर करते आप कर क्योंकि देखो जिस दिन ट्रेंड सेट हो जाएगा ना अब देखो बड़ी आपस की बात है बंदिश मेरा ड्रामा हिट था बहुत लोगों ने देखा बड़ा एंजॉय किया एक हॉरर थ्रिलर टाइप सिचुएशन थी उसकी लेकिन वो भी लोगों ने तब देखा जब उसमें मैंने एक डिसफंक्शनल फैमिली डाली थी <laughs> <laughs> Something has got to be dysfunctional. Let's be honest. I won't, you know, uh, lie to